नाम अंशुमन गोपाल पाटिल, गांव ब्राह्मणपुरी, तहसील शहादा, जिला नंदुरबार, महाराष्ट्र। मैंने देशी वाहन लगाया हुआ है, ये अंबिका 12 निर्मल सीड का है। मैं और मेरे पूरे गांव, जो आसपास के गांव है, 4-5 गांव, सब अंबिका 12 ही लगाते हैं, Y1 वैरायटी। इसके आगे विजेता आया, चमत्कार आया महिको का, और अभी देशी वाहन में अंबिका 12 ये वैरायटी हमारे वहाँ यूज़ हो रही है फसल में। इसका एक फ़ायदा ऐसा है कि आप जून में लगा सकते हैं, 1 जून से 15 जून तक लगा सकते हैं। दूसरा, ये दिसंबर महीने तक ये वैरायटी फसल आती है। दिसंबर महीने के बाद में 4 से 5 महीने ज़मीन आराम कर लेती है। इससे दूसरा जो यील्ड लेना है अपने को, उसमें जल्दी ले सकते हैं। हमारे वहाँ ये देशी वाहन जो फसल है, इसके ऊपर हम केले लगाते हैं। इससे हमको ये फ़ायदा हुआ कि 4 महीने ज़मीन आराम करने के बाद में उस पर केले लगाने से हमारी फसल अच्छी आती है। आज दूसरी तरफ देखते हैं तो लोग बीटी के कपास की तरफ जा रहे हैं। बीटी कपास का ऐसा है कि उसका एक ड्यूरेशन पीरियड रहता है कि आपको उसको 4 महीने में 5 महीने में उसको पानी मिलना चाहिए, खत मिलना चाहिए, और उसका जो वातावरण वो मिलना चाहिए, वो मिलता नहीं है। और फिर लाल्या रोग, ऐसे सब रोग आते हैं उस पर, और उस पर और दूसरा फसल लेना पड़ता है, गेहूँ ले लो, चना ले लो, ये ले लेते। डबल फसल लेने से ज़मीन भी गीली रहती है, ज़मीन को आराम मिलता नहीं है। और ये इसको 1000 रुपये जा भाव ज़्यादा ही बीटी से, तो 10 से 12 क्विंटल उत्पन्न आता है। और इससे हमको ये दवाई का खर्चा कम है इसको। और ये हम पहले ये हाइट आने के बाद में इसके ऊपर का ये निकाल लेते हैं, ऊपर का ये कट कर देते हैं। बाद में ये हाइट यहाँ पे आई, इसको भी कट कर देते हैं 15 दिन के बाद 20 दिन के बाद। इससे फलों की संख्या बढ़ जाती है और झाड़ भी बहुत बड़ा हो जाता है। इससे फसल भी अच्छी आती है। ये 2-3 चीज़ें इसमें ध्यान रखी तो अपने को फसल अच्छी आती है।